हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आपके साथ रूबी, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम घर पे कैसे ब्लीच करें जो नेचुरल ब्लीच होगी, हमारे चेहरे को बहुत ही अच्छा ग्लो करेगी, बहुत अच्छे से ब्राइट करेगी और हमारे स्किन पे कोई सी भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हम मार्केट की जो ब्लीच यूज करते हैं तो उससे हमारे चेहरे पे कोई भी दिक्कत आ सकती है, कोई भी हमारे चेहरे पे नुकसान हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। पर जो मैं आज कोई आपको ये ब्लीच बताने जा रही हूँ तो इससे आपके चेहरे पे कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट ही होने वाला है। मतलब आपको फ़ायदा ही होने वाला है, आपके चेहरा इतना ब्राइट। हम घर पर ही तैयार करेंगे अच्छे 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 मतलब प्रोडक्ट से ही, अपने घर घर में जो होते हैं उसी से हम ये ब्लीच तैयार करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब और मेरा वीडियो कर देना लाइक। तो चलते हैं ब्लीच बनाते हैं, और वैसे भी अब बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल आ रहे हैं तो कर लेते हैं तैयारी जल्दी से जल्दी। हमें किसी भी मार्केट वगैरह की ब्लीच की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे ही अच्छा सा ग्लो अपने चेहरे पर पा सकते हैं। आपको बस मेरे स्टेप बाई स्टेप फॉलो करने होंगे। तो आइए दोस्तों, उसके लिए हमें लेना है रो मिल्क ले लेना आप। ये देखिए, मैंने एक चम्मच रो मिल्क लेना है, ठीक है, दो चम्मच ले लेना, सॉरी, ठीक है, दो चम्मच रो मिल्क ले लेना है। और हमें लेना है दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है आधा चम्मच चावल का आटा। ओके, ये हमने ऐड कर लिया है। और आधा चम्मच हमें लेना है लेमन, ये हमने कट कर लिया, जैसे जूस निकालेंगे इसका, ठीक है, ये हमने डाल दिया है। और चौथा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पटेटो का जूस, आलू का रस, ये मैंने निकाल के रख लिया था। आपको एक आलू लेना है, उसको अच्छे से कद्दूकस करके अच्छे से कपड़ छन करके उसका जूस निकाल लेना है, ये मैंने निकाल के रख रखा था। और ये देखिए, मैंने एक चम्मच आलू का जूस लिया है, आलू का रस, ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और ये हमारी ब्लीच बन के तैयार है, ठीक है। इसको हम रख देते हैं एक साइड लगभग 2 मिनट के लिए। हम दूसरी बाउल में, दूसरी कटोरी में एक चम्मच रो मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने एक चम्मच रो मिल्क लिया है। और एक चम्मच लेंगे हम इसमें आलू का रस, ये मैंने आलू का रस लिया है, ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और हम बनाने जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक चम्मच रो मिल्क, ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया है। हमारी ब्लीच बन के रेडी है, ठीक है। अब हमको ये कैसे लगाना है, ये मैंने कॉटन ले लिया है, आपके पास कॉटन पैड हो आप उसको भी ले लेना है, अच्छे से चेहरा वॉश कर लेना है। और ये नंबर फर्स्ट स्टेप हमारा, दूध जो मैंने एक चम्मच लिया था इसको हम अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करेंगे, करेगी ये। इसके यूज करने के लगभग 2-3 घंटे बाद हमारी स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आएगा, आप देखते रह जाओगे। हमारे जो चेहरे पे हल्के हल्के हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वे अच्छे से सुनहरे होने लगेंगे, जैसे कि मार्केट के ब्लीच से होते हैं, वैसे ही हमें घर पे ही ऐसे ही आपको दिखने लगेगा। क्योंकि ब्लीच एक इतनी अच्छी वो चीज़ है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हो तो भाग के क्या होता है, बस ब्लीच ही करा लेते हैं, इससे हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। तो हम ब्लीच से ही बहुत अच्छा ग्लो अपने चेहरे पर पा सकते हैं। और जैसे हम फेशियल वगैरह भी कराते हैं तो उससे पहले सब ब्लीच करते हैं, तभी फेशियल का ग्लो आता है हमारे चेहरे पे। तो फेशियल मैंने आपको बताए हैं, आप जो फेशियल कॉफ़ी का भी मैंने आपको बताया है और एलोवेरा जेल का भी आपको बताया है, कोई सा भी आप फेशियल करोगे तो उससे पहले आपको ब्लीच कर लेनी है, तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप हो चुका है, ठीक है, एक दिन छोड़ के करोगे तो आपके हफ्ता में ही सारे
चेहरे के सुनहरे बाल हो जाएंगे, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। स्किन जैसे आपकी स्किन है वैसे ही आपके हेयर हो जाएंगे, इतना ग्लो आएगा आपकी स्किन पे कि आप देख के हैरान हो जाओगे। आप इसको एक दिन छोड़ के कर लेना, ठीक है। देखिए, और नंबर टू है ये मैंने जो लिया था आलू का रस और दूध, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। आलू हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से ब्लीच करता है, आपको पता ही है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है चेहरे को ब्लीच करने के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। तो आपको ध्यान देना है, आपको थ्रेडिंग आईब्रो है जो इनसे इन पे नहीं लगाना है इसको, क्योंकि अपना रिजल्ट जरूर दिखाएगी 100%। तो ऐसा ना हो कि आपकी आईब्रो जो है ये भी सुनहरी पड़ जाए, ठीक है। इसको हटा के आपको अच्छे से ये लगाना है, ठीक है। ये मैंने सेकंड स्टेप भी कर लिया है, देखिएगा, ठीक है। और अब है जो मैंने ब्लीच तैयार किया था, ये आपको इसकी मात्रा ज़रूर ध्यान रखनी है, कितनी गाढ़ी ब्लीच हमें रखनी है और कितनी पतली, इसका आपको ध्यान रखना है। इस टाइप की ब्लीच होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी या ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी ब्लीच बन के रेडी है। अब हम अपने चेहरे पे इसको अप्लाई करेंगे। मैं अपने हैंड से अप्लाई कर रही हूँ, आपके पास कोई ब्रश वगैरह है आप उसको भी उससे अप्लाई कर लीजिएगा। ये राइस फ्लोर है तो ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से ब्राइट करता है, ठीक है। और लेमन हमारे स्किन को बहुत अच्छे से, नेचुरल चीज़ है ये लेमन, ये अच्छे से ब्लीच करता है, विटामिन सी है इसके अंदर, चेहरे को क्लीन करता है बहुत अच्छे से, ये देखिए। और मिल्क मैंने आपको पता ही है बहुत अच्छे से क्लीन करता है, ब्राइट करता है हमारे स्किन को ये भी। हमें इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कि दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं और अब मुझे अपना चेहरा ठंडे वाटर से, ठंडे पानी से वॉश कर लेना है आपको। मैं आपको एक गीला रुमाल लिया है मैंने, पानी को भिगोया और अच्छे से हम इसको हल्के हाथ से हटाएंगे, ठीक है। आप इसको एक दिन छोड़ के करोगे तो आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार आएगा, बहुत ही अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी, आपको कोई मार्केट की ब्लीच की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये नेचुरल ब्लीच तैयार करके मैंने आपको दिखाई है। ये आप देख सकते हैं, अब देखिए मैंने अपना चेहरा क्लीन कर लिया है, देखिए कितना अच्छा निखार मेरे चेहरे पर आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल फॉलो कीजिएगा, आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे से टिप्स बताती रहूँगी। और मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय।